नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कर्मश्री प्रेरणा समिति रुनाहा के तत्वाधान में रुनाहा के छोटा महादेव नरसिंहगढ़ तक निकाली गई कांवड़ यात्रा। इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह आज दिनांक 9 अगस्त 2021 सोमवार को कर्मश्री प्रेरणा समिति के सदस्य कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा रुनाहा से नरसिंहगढ़ तक निकाली गई है, जिसमें मध्य प्रदेश युवाओं के प्रेरणा स्रोत कांवड़ यात्रा के मुख्य अतिथि चेतन भार्गव तथा भीकम सिंह राजू मीणा ने माँ पार्वती का पूजन पाठ किया और फिर कांवड़ में जल भरकर कांवड़ की का पूजन किया गया। फिर छोटे महादेव के लिए प्रस्थान किया गया। इस कार्यक्रम में कर्मश्री प्रेरणा समिति के अध्यक्ष गिरीश सूर्यन ने बताया कि बाबा महादेव की कांवड़ यात्रा हमारी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से निकाली जाती है। इसे रुनाहा समेत आसपास के 25 गांव हमारे कार्यक्रम में और कार्यकर्ताओं में सम्मिलित होते हैं तथा तन मन धन से बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। यात्रा के मुख्य अतिथि श्री चेतन भार्गव और विशेष अतिथि भीकम सिंह राजू मीणा का सभी समितियों के सदस्यों द्वारा पुष्पमालाओं तथा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आज ही इस कांवड़ यात्रा में गिरीश सूर्यन, गोलू राजपूत, विश्राम गुर्जन, दीप सिंह गुर्जन, शिव प्रसाद गौर, राम सिंह गौर, प्रेम सिंह गुर्जन, अखिलेश पटेल गौर तथा मनीष महेश्वरी, कृष्णपाल, सुनील मेहर समेत क्षेत्र के समस्त भक्तजन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे। हर हर महादेव, हर महादेव। बोलो भगवान शंकर की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो नाथों के नाथ की जय। बोलो महाकाल बाबा की जय। आज जिला भोपाल, तहसील बेरसिया, ग्राम मेंगरा नवीन के पास हमारी माँ पार्वती नदी जो प्रवाहमान है, इस पार्वती नदी पर आज श्रावण के तृतीय सोमवार पर ग्राम रुनाहा और आसपास के जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आज सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और हमारे इस यात्रा के संचालक भाई गिरीश जी सूर्यन, जिनने संकल्प लिया था कि हमारी कांवड़ यात्रा सतत चलती रहे, आज उनके नेतृत्व में कांवड़ यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। साथ में हमारे अखिलेश जी गौर, हमारे पटेल साहब, इस गांव के सरपंच रोनाहा के शिव प्रसाद जी, और भी हमारे दीप सिंह जी, श्रवण जी, ब्रजेंद्र जी, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। समय कम है, सबके नाम लेना तो उचित नहीं समझूंगा मैं,
क्योंकि इस यात्रा को जल्दी से यहाँ से हमको प्रस्थान करना है और गिरीश जी के द्वारा ये सतत यात्रा निकाली जा रही है। इनका जो संगठन है कर्मश्री प्रेरणा समिति की ओर से गिरीश जी यात्रा करते हैं हर बार और ये कावड़ यात्रा भव्य यात्रा है। पूरे युवाओं की शक्ति मैं कहना चाहता हूँ, रुनाहा क्षेत्र के युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, रुनाहा क्षेत्र के युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, रुनाहा क्षेत्र के युवा सशक्त हैं तो आसमां सिसक जाते हैं। जमाने इन युवाओं को बदलने की कोशिश मत करना, ये युवा बदलते हैं तो बेरस ये तहसील के इतिहास बदल जाते हैं। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। आज के युवा बड़े बड़े शहर भोपाल में चले जाओ, इंदौर में, मुंबई, दिल्ली में चले जाओ, आजकल के युवा मोटरसाइकिल और कार से नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन ये युवा पदयात्रा निकाल रहा है। यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, धार्मिक कार्यक्रम तो कर रहा है, साथ में पर्यावरण के लिए एक अच्छा संदेश दे रहा है, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संदेश दे रहा है कि पैदल चलना भी जरूरी है। चरेवेति चरेवेति, यही तो मंत्र है अपना, नहीं थकना, नहीं झुकना, सतत चलना, सतत चलना। पैदल चलकर अपने स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, शरीर है तो सब कुछ है। अभी पिछले सोमवार को हमने एक साइकिल यात्रा निकाली थी भोजपुर मंदिर से, भोपाल से भोजपुर मंदिर गए, साइकिलों से गए पूरे युवा कार्यकर्ता। कई लोगों ने 10-10 साल बाद साइकिल चलाई, मैंने भी 2 साल बाद साइकिल चलाई, साइकिल की मेरी आदत है। बेरसीय क्षेत्र में खूब साइकिल चलाई है 4 साल जब मैं तहसील प्रचारक था बेरसीय तहसील के अंदर। आज ये युवा पदयात्रा निकाल रहा है, स्वास्थ्य का संदेश तो दे रहा है, साथ साथ धार्मिक संदेश दे रहा है। यही ऐसे युवा आज हमारी धार्मिक संस्कृति को बचाए रखे। आज हमारी धर्म संस्कृति बची है भारत के अंदर, भोपाल शहर के अंदर, बेरसीय तहसील के अंदर, रुनाहा क्षेत्र के अंदर, इस गांव के अंदर, इन्हीं युवाओं के कारण ये संस्कृति बची है। तो ये युवा धर्म के लिए जी रहा है, समाज के लिए जी रहा है, राष्ट्र के लिए जी रहा है, इन्हीं लोगों ने संस्कृति बचाया। इसलिए मैं गणमान्य नागरिकों से निवेदन करता हूँ, ऐसे युवाओं को आगे लेकर आइए, उनका सम्मान करिए, उनको प्रोत्साहन करिए, ताकि ऐसी हमारी यात्राएं सतत चलती रहे, सतत हमारी यात्राएं निकलती रहे, युवाओं के अंदर जोश बढ़ता रहे, धार्मिक भावनाएं बढ़ती रहे। धार्मिक भावनाएं तो अच्छी बातें बढ़ रही हैं, धार्मिक भावना के साथ साथ देशभक्ति भी हमारी बढ़ना चाहिए। धर्म की भक्ति तो पूरे देश में है और आज देश की भक्ति भी बढ़ाने का काम हमारे युवा कर रहा है, तो धर्म की भक्ति के साथ साथ देश की भक्ति बढ़ना चाहिए। अगला कार्यक्रम आगामी अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को आ रहा है, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस आ रहा है, उस दिन हम लोग झंडा वंदन करें, भारत माता की भव्य आरती करें, झंडा फहराएं, रैली निकालें, लोगों के पास एक संदेश जाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस, दिन हमारा भारत खंडित हुआ था, उसको पुनः हम अखंड करेंगे। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, नेपाल को, म्यांमार को, भूटान को, सबको भारत के अंदर विलय करेंगे, हमारा भारत पुनः अखंड होगा, विश्वगुरु बनेगा। ये युवाओं की मांग है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस कार्यक्रम को कई वर्षों से करता हुआ आ रहा है। इसलिए भाइयों, मैं इन सब युवाओं को, गिरीश जी, सुरेंद्र की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार आप लोग धार्मिक कार्यक्रम करते रहिए, धार्मिक भावनाओं को आप लोग जगाते रहिए, धर्म संस्कृति का झंडा हमेशा फहराते रहिए। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा, करो भरोसा अपने बल पर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ऐसा मरुस्थल से जलने वाले वाली हमारी बेरसी क्षेत्र की टीम है, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग खूब आगे बढ़ो, रुनाहा गांव का, बेरसी तहसील का, नजीराबाद क्षेत्र का, भोपाल जिले का, मध्य प्रदेश का, देश का नाम रोशन करो। यही निवेदन ईश्वर से करता हूँ, ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे हर हर महादेव। भीगम सिंह जी, मीणा जी भी आ चुके हैं हमारे जिला पंचायत के सदस्य।